हेलो गाइस, 2023 में नया यूट्यूबर के लिए बेहतरीन वीडियो होने वाला है। नया यूट्यूब चैनल पे कितने मिनट का वीडियो डालना चाहिए, जो नया यूट्यूबर होता है, जिसका नया चैनल होता है, 3 से 4 रोज होता है यूट्यूब का चैनल बना के, उस पर अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपके वहाँ पे व्यूज कितना आता है, 0 व्यूज आता है। अगर आप वीडियो को शेयर करते हो 1 से 2 व्यूज आने के बाद उस टाइम पे आपका व्यूज रुक जाता है, लेकिन उस टाइम पे नया यूट्यूबर को कितने मिनट का वीडियो बना के आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना चाहिए, इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, तभी आपको समझ में आने वाला है नया यूट्यूब चैनल पे कितने मिनट का वीडियो बनाना चाहिए। यहाँ पे खुद यूट्यूब बोल रहा है, अगर आपका नया यूट्यूब चैनल है, नया में अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हो, उस पे आप वीडियो बना के अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पे यूट्यूब वाले सजेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आप 2 से 3 मिनट का वीडियो बना के अपलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, वहाँ पे कोई भी आपका फेस वैल्यू नहीं है, वहाँ पे आपको कोई भी नहीं जानता है। तो वहां पे अगर आप 10 से 15 मिनट का वीडियो आप अपलोड करते हो बना के, तो आपका वीडियो क्यों देखेगा कोई भी बंदा, क्यों, आपको तो कोई पहचानता नहीं, आपका फेस वैल्यू नहीं है, आप अच्छा से वीडियो भी नहीं बनाते होंगे, अच्छा से आप टाइटल भी नहीं लिखते होंगे, डिस्क्रिप्शन भी नहीं, अच्छा से आपके वीडियो में एडिटिंग भी नहीं होगा, लेकिन आपसे बड़े बड़े यूट्यूबर उसी टॉपिक पे बैठा हुआ है, उसी कंटेंट पे बड़ा बड़ा यूट्यूबर बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो बना के प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो फिर आपका 10 मिनट का वीडियो क्यों देखेगा कोई भी बंदा, होता है ना, आपका 10 मिनट का वीडियो कोई बंदा क्यों देखेगा नया यूट्यूबर का, क्योंकि आपके वीडियो पे एक भी, आपके चैनल पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, आपके वीडियो पे 2 या 3 व्यूज रहते हैं, वहां पे व्यूज देखने के बाद कोई भी आदमी आपके वीडियो को स्क्रॉल कर देता है, क्यों पता है आप लोगों को, क्यों आपके वीडियो को ऊपर बढ़ा देता है, उसको पता चल देता है कि ये नया चैनल, इसको खुद भी पता नहीं होगा और ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसके लिए आपके वीडियो को नहीं देखते हैं, तो इसीलिए YouTube वाले सजेस्ट कर रहे हैं नया YouTube चैनल पे कम से कम लास्ट 3 मिनट, 3 मिनट से ऊपर का वीडियो कभी भी आप मत बनाना। अगर आपके चैनल पे 1000 से 1500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उसके बाद आप 5 मिनट या 6 मिनट या 7 मिनट का वीडियो बना के आप अपलोड कर सकते हो। उतने टाइम पे क्या होता है पता है आप लोगों को, थोड़ा सा आपका फेस वैल्यू बन जाता है, थोड़ा सा आपका सब्सक्राइबर हो जाता है, जान पहचान हो जाता है, तो वहां पे आपका अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वहां पे 100-200 व्यूज आने का चांस हो जाता है। जिस टाइम पे आपका चैनल नया रहता है, 10-5 सब्सक्राइबर रहते हैं ना, उस टाइम पे अगर आप 10 से 15 मिनट के वीडियो बनाओगे तो एक भी आपका वीडियो नहीं चलेगा और एक भी सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ेगा और आपके वीडियो पे व्यूज नहीं बढ़ेगा। तो आप अपने नए यूट्यूब चैनल में ऐसा गलती कभी भी मत करना, 4 से 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो बना के कभी भी अपलोड मत करना। अगर आपका नया, अगर आप 2023 में एक नया यूट्यूब चैनल बनाए हो तो वहां पे कम से कम लास्ट 2 से 3 मिनट का वीडियो बना के वहां पे अपलोड करना, उससे ज्यादा का वीडियो अपलोड नहीं करना। ये कब तक करना होगा आप लोग को पता है, जब तक आपके चैनल पे 1000 से लेके 1500 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, तब तक आप अपने यूट्यूब चैनल पे 2 से 3 मिनट का वीडियो अपलोड करना, उससे ज्यादा का अपलोड नहीं करना। उससे ज्यादा का अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो वहां पे आपका वीडियो पे व्यूज कभी भी बढ़ने वाला नहीं है। यूट्यूब वाले खुद इस बात को सजेस्ट कर रहे हैं कि नया यूट्यूबर को कम से कम 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाना चाहिए, उससे ज्यादा का वीडियो नहीं बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान का ऑल पे सेट कर देना, जब भी मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है।